अगर हम आपसे ये सवाल करें कि मगरमच्छ और शार्क की लड़ाई में किसकी जीत होगी, तो आपको ये सवाल थोड़ा अजीब जरूर लगेगा। आप ये जरूर सोचेंगे कि भला शार्क और क्रोकोडाइल क्यों एक दूसरे से उलझने लगे। खैर, किसी भी परिणाम तक पहुंचने से पहले जरा इस क्लिप को देख लीजिए जो आपको शॉक कर सकती है। इस क्लिप में शार्क और मगरमच्छ आपस में टकराने वाले हैं। ये देखकर आपको क्या लगता है कि आखिर आगे क्या होने वाला है? जरा सोचिए कि किसकी जीत होगी। खैर, यह हम आपको अभी नहीं, कुछ देर बाद बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ते हुए आपको कुछ ऐसे ही और अमेजिंग वीडियो दिखाते हैं जहां शार्क और क्रोकोडाइल अक्सर एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। समुद्र में शार्क के साथ रहने वाले सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल मगरमच्छ की सबसे क्रूर और शातिर प्रजाति में से एक है। वहीं दूसरी तरफ समुद्र की सबसे आक्रामक जानवरों में से शार्क टॉप पर आते हैं। ऐसे में इन दो ताकतों का आपस में भिड़ना लाजमी है। ये देखना दिलचस्प होगा कि जब ये दोनों शिकारी जी जान से लड़ते हैं तो क्या उथल पुथल मचती है और किसका पलड़ा भारी होता है। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के शोडाउन को। बेशक समुद्र में शार्क की एक अलग ही पहचान है। ये मनमौजी मछली मरीन एनिमल्स पर अपनी धौंस जमाती है और किसी भी जीव को अपना शिकार बनाती है। लेकिन मगरमच्छ भी किसी से कम नहीं है। ये बात 16 आने सच है कि क्रोकोडाइल अग्रेशन और हंटिंग स्किल्स के मामले में शार्क से दो कदम आगे रहते हैं। इनकी आक्रामकता और बाइट फोर्स दुनिया के सभी जानवरों में सबसे ज्यादा होती है। दुनिया भले ही शार्क की ताकत को लेकर काफी खौफ में रहती हो, लेकिन क्रोकोडाइल को शार्क से कम समझने की गलती महंगी पड़ सकती है। रिसर्च बताती है कि मगरमच्छ शार्क से 100 गुना ज्यादा डेडली होते हैं। एक मगरमच्छ आसानी से शार्क को अपना शिकार बना सकता है। साउथ अफ्रीका की ये तस्वीरें सबसे बड़ा सबूत हैं कि मगरमच्छ के लिए शार्क पर अपनी पकड़ बनाना आसान होता है। ये तस्वीर ऑस्ट्रेलिया के एक रिसर्च साइंटिस्ट ने 60 फीट दूर से कैप्चर की थी, जिसमें मगरमच्छ बड़ी ही बेरहमी से शार्क को अपना शिकार बनाने के भरसक प्रयास कर रहा है। 10 मिनट तक चली इस लड़ाई में मगरमच्छ का पलड़ा भारी होता है और आखिर में ये जीव शार्क को निगल जाता है। इन जीवों की बाइट फोर्स ही इतनी कमाल की होती है कि ये किसी को भी पहले ही हमले में घायल कर सकती हैं। अगर शार्क और मगरमच्छ के बाइट फोर्स की बात की जाए तो एक नाइल क्रोकोडाइल की बाइट फोर्स ग्रेट फाइट शार्क से 8 गुना ज्यादा होती है। ऐसे में हम इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते कि एक शार्क जैसी टॉप प्रीडेटर का मगरमच्छ के सामने क्या हाल होता होगा। समुद्र में हर रोज इन जीवों का आपस में न जाने कितनी ही बार जंग होता होगा जो कभी कैमरे में कैद नहीं हो पाती हैं। साइंस की नजर से देखें तो शार्क की 375 स्पीशीज पूरी दुनिया भर में मौजूद हैं, जिनमें से केवल 30 स्पीशीज को ही इंसान पर अटैक करते पाया गया है और उनमें से भी केवल 12 प्रजाति को सबसे आक्रामक रूप में देखा गया है। हालांकि इंसान के अंदर इन जीवों को लेकर अलग तरह का डर बैठा रहता है, लेकिन एक बात तो साफ है कि सभी शार्क को गुस्सैल जीवों के तराजू में रखना बेवकूफी है। इसके विपरीत क्रोकोडाइल एक ऐसा जीव है जिसकी सभी प्रजातियां कार्निवोरस हैं। ये लगभग हर उस जीव को खाना पसंद करते हैं जो इनकी पहुंच में होती हैं। अब जरा इस क्लिप को देखिए जहां ये मगरमच्छ बड़े चाव से बुल शार्क के गोश्त का मजा ले रहा है। देखकर भले ही लगता है कि मगरमच्छ ने बड़ी आसानी से बुल शार्क को अपना डिनर बना लिया, लेकिन आपको बता दें कि बुल शार्क कोई ऐसी वैसी प्रे नहीं है। इन जीवों को समुद्र में अपने गुस्सैल स्वभाव के लिए जाना जाता है। ऐसे में ये काफी रोमांचक है कि बिना किसी दिक्कत के बड़े ही आराम से उसे अपना शिकार कैसे बना रहा है। एक बार इस मछली को मुंह में भरने के बाद ये आराम से वापस पानी में लौट जाता है। दोस्तों, मगरमच्छ को शार्क से दो कदम आगे मानने का कारण ये भी है कि ये जीव पानी और जमीन दोनों ही स्थिति में सर्वाइव कर सकते हैं। पानी में शिकार न मिलने पर लैंड मैमल्स पर हाथ आजमाने का ऑप्शन हमेशा इसके पास रहता है। सबसे दिलचस्प बात है कि पानी के साथ साथ जमीन पर भी शिकार करते हुए ये वही आक्रामकता दिखाते हैं। दोनों कंडीशंस में ट्रेन होने की वजह से इनकी हंटिंग स्किल्स हाईली ट्रेंड हो जाती है। इसके विपरीत शार्क मरीन एनिमल्स हैं, जो केवल समुद्र में ही अपने शिकार को मारने की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। जमीन से शिकार पकड़कर उसे पानी में सबमर्ज करने जैसे टेक्निक ये कभी नहीं सीख पाती, इसलिए इनका किलिंग रेट क्रोकोडाइल से हमेशा कम रहता है। हालांकि शार्क और क्रोकोडाइल दोनों कार्निवोरस हैं और अपने शिकार को बेरहमी से चीथड़े उड़ाकर मारना जानते हैं, लेकिन जब ये एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं तो बात कुछ और ही होती है। अब जरा इस क्लिप को देखिए जो ऑस्ट्रेलिया के फिशिंग ऑफ कोस्ट किम्बर्ली में कैप्चर की गई है। यहाँ कुछ फिशरमैन शार्क्स को फीड करा रहे हैं। नीचे शार्क का ग्रुप देखकर वो कुछ फिशेस को समुद्र में फेंकते हैं ताकि इनकी भूख शांत कराई जा सके। लेकिन इस शाही दावत का मजा किरकिरा करने के लिए सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल वहां पहुंच जाता है। इसके शुरुआती हालचाल देखकर लगता नहीं है कि क्रोकोडाइल शार्क को मारने में दिलचस्पी रखता है। ये काफी देर तक किसी हरकत का इंतजार करता है, लेकिन जैसे ही शार्क अपने शिकार को पकड़ने के लिए उसके करीब आती है, ये उसे अपने जबड़ों से उस पर हमला करने में 2 सेकंड नहीं लगाता। ये अपने मजबूत दांतों से खींचकर ये उसे अपने साथ ले जाता है। खैर, इस क्लिप में भले ही लड़ाई की शुरुआत क्रोकोडाइल ने की हो, लेकिन हर बार मगरमच्छ ही लड़ाई शुरू नहीं करते। कभी कभी शार्क भी बिना बात के अपने प्रतिद्वंदी को छेड़ने की कोशिश करती हैं।
उसकी एक हल्की सी हरकत मगरमच्छ को इतना नाराज कर देती है कि ये फिर अपने शिकार को मार कर ही दम लेता है। कुछ ऐसा ही हमें इस क्लिप में भी देखने को मिल रहा है, जहां शार्क पानी के नीचे से मगरमच्छ को छेड़ती है और आगे बढ़ जाती है। इसकी इस हरकत पर क्रोकोडाइल पूरी बॉडी को मूव करता है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शार्क मगरमच्छ का पेशेंस टेस्ट करने के लिए दोबारा यही हरकत करती है, लेकिन अब मगरमच्छ उसे माफ करने के मूड में नहीं है। वो अपने पावरफुल जॉ से जोरदार हमला प्लान करता है, लेकिन मगरमच्छ के चार्ज करते ही शार्क बड़ी तेजी से 9-2-11 हो जाती है। ये घटना हमें बताती है कि जब उलझने की ताकत ना हो तो मुसीबत का न्योता नहीं देना चाहिए। ऐसे ही एक और क्लिप आपको दिखाते हैं, जहां बोल शार्क और मगरमच्छ काफी पास तैरते हुए एक दूसरे पर हमला करने की योजना बनाते हैं। ये फुटेज कनुरा में फिशिंग करते हुए एक ऑस्ट्रेलियन कपल ने कैप्चर की है। इस वीडियो में हैरानी की बात यह है कि मगरमच्छ के काफी करीब पहुंच जाने के बाद शार्क अपनी प्लानिंग से यू टर्न लेकर वहां से दूर भाग जाती है। ऐसा करते हुए उसकी रफ्तार देखने लायक होती है। दोस्तों, इससे पता चलता है कि बुल शार्क जैसी खतरनाक शार्क में भी मगरमच्छ के खिलाफ खौफ होता है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इतिहास में बुल शार्क ने कई इंसानों पर अटैक किया है। हॉलीवुड की जॉ मूवी भी इन्हीं हमलों से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई थी। जरा सोचिए, इंसानों पर बेझिझक हमला करने वाली मछली जब मगरमच्छ से डरती है तो वो कितने टेरिटोरियल होते होंगे। मगरमच्छ को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या खा रहा है। इनके इलाके में जाने वाला हर जीव को ये बस भोजन बनाने के रूप में देखते हैं। इसके विपरीत बुल शार्क समुद्र की गहराइयों में शिकार को तलाशती है और अपने पसंदीदा भोजन को ही शिकार बनाती है। हालांकि हर बार बुल शार्क मगरमच्छ से मात खाती है, लेकिन ऐसे मामले भी देखने को मिलते हैं जहां ये अपने इस प्रतिद्वंदी को घायल कर देती है। अब जरा इस 80 साल पुराने क्रोकोडाइल से मिलिए। इसके पास एक टांग नहीं है। स्थानीय लोगों की माने तो इसने बुल शार्क के खिलाफ एक लड़ाई में अपनी टांग खो दी। हालांकि उस लड़ाई में 1.5 मीटर लंबी शार्क को मगरमच्छ ने अपने जबड़ों में फंसाकर मैंग्रोव में जाने में सफल रहा, लेकिन बूढ़े होने की वजह से इस लड़ाई में उसकी टांगों को नुकसान पहुंचा। 80 साल की उम्र में भी जब मगरमच्छ इतनी फुर्ती से हमला करते हैं तो इससे ये बात तो साफ होती है कि शार्क इनके हमले से नहीं बच सकती, खासतौर पर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल से। खैर, लड़ते हुए ये कुछ बातों का जरूर ख्याल रखते हैं, जैसे कि सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल ताकतवर होने के बाद भी बड़ी शार्क को अपना निशाना नहीं बनाते। इनका हमला अक्सर मीडियम साइज शार्क या फिर बेबी शार्क होती हैं, जिन्हें पकड़ने में इनको ज्यादा मुश्किल से सामना नहीं करना पड़ता। ऐसा इसलिए भी क्योंकि शार्क बेबी शॉलो वाटर मैंग्रोव के पास जन्म लेते हैं। ऐसे में ये शिकार मगरमच्छ को आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इसके विपरीत शार्क भी हमले में पीछे नहीं रहती। बड़ी शार्क भी मौके का फायदा उठाकर अक्सर छोटे मगरमच्छ को शिकार बनाती है और बेरहमी से उन्हें मारती है। इससे पता चलता है कि ये लड़ाई दोनों तरफा है। अब बात करते हैं उस क्लिप की जो हमने आपको शुरुआत में दिखाई थी। जैसा कि हमने आपको बताया कि शार्क खुद मगरमच्छ का शिकार बनने उसके पास नहीं जाती, लेकिन मगरमच्छ की मंशा हमेशा अपने शिकार को परेशान करने की ही रहती है। इस क्लिप में शार्क वही करते हुए तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन मगरमच्छ शार्क का पीछा करते हुए उसके पास जाता है और एक ही हमले में उसे जबड़े में दबाकर पानी में सबमर्ज हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ खास बैटल ऑफ जो साबित करती हैं कि पानी में रहने वाली शार्क को इंसान भले ही सबसे आक्रामक मैरीन एनिमल के रूप में देखते हैं, लेकिन क्रोकोडाइल से मात खाने में इन्हें जरा भी देर नहीं लगती। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपकी नजर में इन दोनों जीवों में सबसे ताकतवर जीव कौन सा है, कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।